मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अवैध खनन मामले में 8 फर्म और उनके बैंक खातों पर ईडी की रडार। अब ईडी खोलेगी 4,87,00,000 रुपए का राज। अवैध खनन के 1,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने 8 फर्म और उनके बैंक खातों को रडार पर रखा है। इन खातों में पंकज मिश्रा ने 4,87,00,000 भेजे थे। ये पैसे अक्टूबर 2021 से मई 2022 के बीच ट्रांसफर हुए। ईडी को संदेह है कि एक कंपनी मेकर शिवशक्ति साई की भूमिका भी इन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी को मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते और HDFC के एक खाते में भारी मात्रा में पैसे जमा कराए गए थे। जिन कंपनियों के खाते में पंकज ने पैसा जमा कराए थे उसमें मथुआ कंस्ट्रक्शन, गणपति इंटरप्राइजेस स्टोन वर्क्स, भगवान स्टोन एंड मिनरल्स, जय माता अम्बे ट्रेडर्स और बालाजी इंटरप्राइजेस शामिल हैं। सीए जयपुरियार के यहाँ से भी शिवशंकर साई से जुड़े दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।